ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द पार्क होटल में इंडियन प्राइड अवार्ड 2020 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड से लेकर के राजनीति जगत, मीडिया जगत की तमाम व्यक्तित्वों ने जो है अपनी शिरकत करी है, मौजूदगी दर्ज कराई है। क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द पार्क होटल में रविवार को इंडियन प्राइज अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस समारोह में बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत और मीडिया जगत की कई शख्सियत मौजूद रही। कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजनीति जगत की बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता विजय जॉली, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और राजनीतिक खबरों पर काफी बारीक नजर रखने वाले एवं राजनीतिक पार्टियों के व्यंग्यात्मक पार छोड़ने वाले प्रताप फौजदार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देश और दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की एपिडेमिक से दुनिया ग्रसित है, वैसे कांग्रेस को भी ये एपिडेमिक बहुत पहले लग चुका है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि ज़्यादातर लोग एजुकेशनल फील्ड से थे। ये बहुत अहम फील्ड है क्योंकि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे है। दूसरा, मुझे और भी खुशी हुई देखकर कि यहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे, बहुत सारे कार्य जो कर्मी हैं वो यहाँ पे थे। ये लोग हैं, दे आर द पीपल हु शेप द नैरेटिव। नैरेटिव इज शेप फॉर द चिल्ड्रन कि वो क्या आगे सोचेंगे, क्या करेंगे, और फिर जो पॉपुलर नैरेटिव इज शेप्ड बाय बॉलीवुड। तो दोनों जो हैं कैटेगरीज के लोग आज यहाँ थे, पीपल हु हैव डन अ लॉट ऑफ सर्विस टू द कंट्री, टू द नेशन। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने आज बहुत सारे फौजियों को सम्मान दिया। ये फंक्शन अच्छा है और अवार्ड फंक्शन से एक बात ज़रूर होती है, आप भी इस बात को मानेंगे कि जितने भी किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर उसको इस तरीके से सम्मानित किया जाता है तो उसका हौसला बढ़ता है, तो आगे भी काम करने के लिए उसका मन करता है, उसमें ऊर्जा आती है। तो मैं कहता हूँ ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए। साथ ही बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी, इंडियन आइडल नो फेम फाइनलिस्ट मोहित चोपड़ा, खुदा बख्श, हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने गानों से महफिल में समा बांधा। सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में जो अचीव किया है, देखकर बहुत खुशी हो रही है, उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैंने कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा नहीं अचीव किया, उनको देखकर ऐसे मेरा मॉरल बूस्ट होता है, मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ रहा है कि मुझे आगे जाकर बहुत कुछ करना है, देश की सेवा करनी है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। बिल्कुल, मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सौभाग्य है मेरा बहुत बड़ा कि मुझे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने आने का मौका मिला। जो भी अवार्ड होते हैं उसका मतलब होता है कि किसी की जो भी वो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा इंशाल्लाह उसकी रिस्पेक्ट देना होता है। तो हम तो बहुत अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन जितने भी मेरे सीनियर बैठे हुए थे, सारे बॉलीवुड स्टार्स बैठे हुए और जितने भी हमारे फौज के सारे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और शुक्र है अल्लाह का उनमें हम बैठे हैं सारे, और ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपराला है। बहुत अच्छा है, जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है किसी भी कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप काम करते हैं तो अवार्ड जब मिलता है एक एनर्जी आती है, बूस्ट अप होता है। तो आज रियली बहुत अच्छा लगा और बहुत से चेहरों से, नामचीन चेहरों से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में कई कैटेगरी में अवार्ड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में अलग अलग फील्ड से सम्मानित शख्सियतों को चुना गया। ये अवार्ड बिजनेस, एजुकेशन, बॉलीवुड, सोशल एक्टिविस्ट, आर्म फोर्सेस और मीडिया जगत की शख्सियतों को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जनता टीवी के सीईओ दीपक अरोड़ा भी मौजूद रहे। जनता टीवी को भी उसके सराहनीय काम के लिए अवार्ड से सम्मानित दीपक अरोड़ा और जनता टीवी के जो अन्य पदाधिकारी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया आप इस का हिस्सा बने। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल शालू जैन, एमडी केवीजे ग्रुप एंड कंपनीज। इस कार्यक्रम में चार तरह की कैटेगरीज के तहत अवार्ड वितरित किए गए।
जिसमें इंडियन लेजेंड अवार्ड के तहत 5 अवार्ड दिए गए, तो वहीं एलीट क्लास अवार्ड कैटेगरी में 9 अवार्ड बांटे गए। इसके अलावा एलीट प्लस से 6 अवार्ड, तो वहीं इंडियन प्राइड कैटेगरी से 64 अवार्ड दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। Charlie.